हेलो गाइस, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव इवेल्यूएशन। करंट इवेल्यूएशन प्रैक्टिसेस भी इस टॉपिक को कहा जाता है, यानी कि अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाता है पेपर में करंट इवेल्यूएशन प्रैक्टिसेस, तो ये फॉर्मेटिव और सबमेटिव इवेल्यूएशन को ही कहा जाता है। सो फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव इवेल्यूएशन क्या है, जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें क्या कर दिया गया है, FA1, FA2, SA1, FA3, FA4, SA2, ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें अब ये कर दिया गया है कि पहले जो हुआ करता था सिर्फ हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हुआ करता था जो CBSE बोर्ड था। और लेकिन अब के टाइम में अब क्या हुआ है, बहुत ही चेंजेस आ गए हैं। FA1, FA2 है और दो ही टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, फाइनल टर्म, तो SA1 और SA2 कहा जाता है। और FA1 FA2 में क्या होता है, जो यूनिट टेस्ट होते हैं, मतलब बच्चों को जज किया जाता है कि उनके पहले ही मतलब उनकी पहले ही अच्छी प्रिपरेशन के लिए, कि उनको मतलब ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस को पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना रहे और बच्चा जो है हर एक यूनिट को, हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर कर पाए, इसलिए इस तरह से ये एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है। सो फॉर में क्या आता है, इट इज डिफाइंड एज अ टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन विच इज कंडक्टेड टू मॉनिटर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस एंड टू डिटरमाइन वेदर लर्निंग इज अकरिंग एज डिजायर्ड। सो ये इसे क्या कहा जाता है कि ये एक ऐसा टेक्निक है इवेल्युएशन का, मतलब इवेल्युएशन ही किया जाता है, बच्चों को इवेल्युएट ही किया जाता है, उनको मार्क्स ही दिए जाते हैं FA1 FA2 में, तो जो कि कंडक्ट किया जाता है टू मॉनिटर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, कि हमें देखना है कि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, यानी जो टीच किया गया है बच्चों को, उसको देखने के लिए उसको कि बच्चों ने कितना अचीव किया है, एंड टू डिटरमाइन वेदर द लर्निंग इज अकरिंग एज डिजायर्ड, और उसको देखने के लिए कि टाइम टू टाइम हम लोग रेगुलर असेसमेंट होती रहे, रेगुलर इवेल्यूएशन होती रहे, ताकि हमें पता लगे कि बच्चे जो है वो गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि हमें मतलब अगर हम लोग क्लास टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, तो यूनिट कंप्लीट हुआ तो टेस्ट हो गया, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का पता लग गया कि हाँ इसने ये यूनिट कवर किया है, तो ये यूनिट अगर उसको समझ में आया तभी उसको नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग उसको फोकस करें, नेक्स्ट चैप्टर पे उसको हम लोग लेकर जाएं। जब तक उसने पहला ही नहीं कवर किया, उसने बेसिक्स ही नहीं क्लियर किया, तो वो नेक्स्ट चैप्टर को समझ नहीं पाएगा। तो इस तरह से, इस वजह से FA1 FA2 रखे गए हैं, ताकि हमें बच्चे जो है वो मोटिवेट रहे, एक तो कि उनको लगे कि हाँ मार्क्स आएंगे हमारे तो हमें पढ़ना ही है, कि हमें ये मार्क्स भी हमारे जो है रिपोर्ट कार्ड में हमारे इंक्लूड होंगे, हमारे ग्रेड्स में ये इंक्लूड होंगे ये मार्क्स भी, तो उनको मजबूरन पढ़ना ही होगा। और वैसे भी, और उससे क्या है, और ये भी हो जाता है कि बच्चा जो है वो मतलब उसको थोड़ा थोड़ा सिलेबस जो है उसको पार्ट्स में कन्वर्ट पार्ट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं रहता है, कि उसको ये नहीं है कि मतलब फाइनल में उसको सारा का सारा ही पढ़ना है, तो पहले ही उसका मतलब सिलेबस को डिवाइड कर दिया जाता है। सो इवेल्युएशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और इसमें क्या है कि ये फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब जब क्लास, हमारी क्लास चल रही है उसी के दौरान ये टेस्ट जो है ये लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सेशन खत्म हो गया तो ये टेस्ट लिए जाते हैं। इट इम्प्लाइज इवेल्युएशन ऑफ पीपल्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, तो वही बात आ गई कि ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ये मेन बात है कि जब इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, जब बच्चे को टीच किया जा रहा है, उस टाइम पे ये इवेल्युएशन होती है, ठीक है। इट इम्प्लाइज इवेल्युएशन ऑफ पीपल्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, जब इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उस टाइम पे ये टेस्ट जो है ये होते हैं, कि आफ्टर इंस्ट्रक्शन नहीं, जब सारा पढ़ा दिया गया उसके बाद नहीं, मतलब जैसे फाइनल टर्म के एग्जाम्स होते थे हमारे, सारा का सारा सिलेबस जो था वो हमें फाइनल टर्म में ही आ जाता था, और उसी टर्म के ऊपर बेस्ड ही हमें जो था हमें जज किया जाता था कि बच्चे को कितना आता है। तो उसमें क्या होता है कि फाइनल टर्म में कोई क्वेश्चन जो था बच्चे ने कोई चैप्टर अच्छा कर लिया, किसी ने कोई चैप्टर नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या होता था कि बच्चे जो है, जिसको अगर कई बार अच्छा स्टूडेंट भी जो होता है उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते थे, क्योंकि उसने मान लो किसी वजह से वो चैप्टर नहीं किया जिसमें से क्वेश्चन आ गए, तो उसकी वजह से उसका वो पीछे रह जाता था। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें ये है कि किसी ने कोई चैप्टर कर लिया तो उसकी वजह से उसका जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएंगे, इसमें सारे चैप्टर्स बच्चे अगर करेंगे तो ही बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स ला पाएगा, अच्छे ग्रेड्स आएंगे उसके, क्योंकि ये हर एक यूनिट टेस्ट में क्या, मतलब हर एक सिलेबस का हर एक पार्ट जो है उसको कवर करता है FA1 FA2।
ओके, इट टेक्स इंटू अकाउंट स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ द करिकुलम। तो इसमें क्या है, छोटी छोटी यूनिट्स ली जाती हैं, कि सारा सिलेबस नहीं लिया जाता, छोटी छोटी यूनिट्स ली जाती हैं। इट कैन बी कैरिड आउट बोथ इन फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। तो फॉर्मल तरीके से भी हो सकता है, यानी क्विजेस की फॉर्म में बच्चों को या असाइनमेंट्स दे दी, जैसे उससे पता लग गया कि बच्चे को कितना आता है, असाइनमेंट बच्चे के हाथ में दे दी कि हाँ तुम्हें ये करना है, और तुम्हें क्लास में आके असाइनमेंट मतलब प्रेजेंटेशन लाइक हो गया, प्रेजेंटेशन दे दी तो क्लास में तुम्हें इसको परफॉर्म करना है। तो इस फॉर्म में भी हो सकता है और इनफॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है, यानी टीचर जो है वो खुद ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे कि असेसमेंट दिए जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट होते हैं 20 नंबर के, तो असेसमेंट बेस्ड भी हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन के टीचर जो है वो खुद ऑब्जर्व कर रहा है कि बच्चा जो है वो कितना अच्छा है, तो उसके बेस पे वो उसको मार्क्स दे दे। तो या फिर वो FA1 FA2 में अगर उसका अच्छा भी नहीं हुआ है तो फिर भी टीचर जो है वो अच्छे मार्क्स दे दे, ताकि क्योंकि टीचर को पता है कि टीचर ने ऑब्जर्व किया हुआ कि ये बच्चा जो है वो अच्छा है। तो इस तरीके से ये FA1 FA2 में इस तरह से काम करता है। अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ लर्निंग इज सिलेक्टेड, लर्निंग आउटकम्स और बिहेवियर्स ऑफ पीपल्स आर डिटरमाइंड इन रिलेशन टू ईच न्यू एलिमेंट। और एक पर्टिकुलर यूनिट जो है लर्निंग का सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि सारा का सारा यूनिट्स नहीं सिलेक्ट किए जाते, एक पर्टिकुलर यूनिट सिलेक्ट किया जाता है। लर्निंग आउटकम्स और बिहेवियर्स ऑफ पीपल्स आर डिटरमाइंड इन रिलेशन टू ईच न्यू एलिमेंट। और बच्चों का जो भी रिजल्ट आता है और उनका जो भी बिहेवियर भी देखा जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ उनका रिजल्ट ही देखा जाता है, उनका बिहेवियर भी हर एक यूनिट के हर एक एलिमेंट के बाद उसको जज किया जाता है कि बच्चा जो है वो कैसा है। ओके, सो नेक्स्ट आता है, इट इज एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द लेसन टॉट और इंस्ट्रक्शन इम्पार्टेड और असेसमेंट शॉर्ट टर्म। सो इसमें क्या है कि जब इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, वही मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, इसमें यही कहा है कि जब इंस्ट्रक्शन जब पढ़ाया जा रहा है उसी के दौरान ये टेस्ट लिए जाते हैं, तो इसमें लेसन टॉट के दौरान जो है ये होता है। देन फीडबैक टू स्टूडेंट्स प्रोवाइड्स रीइन्फोर्समेंट ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग। अब इसमें क्या है कि बच्चों को फीडबैक दी जाती है, रेगुलर फीडबैक दी जाती है, जैसे कि वीक टेस्ट हुआ या मंथ टेस्ट हुआ, तो इससे क्या है कि रेगुलर बच्चों को फीडबैक मिली, जिससे कि बच्चा जो है उसमें रीइन्फोर्समेंट आती है, एक ऊर्जा आती है कि उसे अच्छा काम करना है, वो मोटिवेट रहता है। फीडबैक टू टीचर्स प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप रेमेडियल वर्क। और टीचर को भी पता लगता है कि वो कहाँ पे, जैसे क्लास अलग अलग क्लास के रिजल्ट को अगर हम लोग कंपेयर करें कि किसी क्लास के बच्चे ने अच्छा किया, किसी क्लास के बच्चों ने बुरा किया, तो फीडबैक टीचर को भी मिलता है, तो टीचर को भी पता लगता है रेगुलरली उसको पता लगता है कि उसे क्या चीज जो है उसमें सुधार लेके आना चाहिए कि बच्चे जो है वो अच्छा काम करें, किस चीज में वो पीछे रह रहा है। उसी तरीके से वो बच्चों को इंडिविजुअल और ग्रुप रेमेडियल वर्क जो है, जैसे डायग्नोसिस में हमने पढ़ा था कि रेमेडियल वर्क भी उसको दिया जाए। देन प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या है, इट शुड इन प्रिंसिपल्स, यानी कि कुछ असूल है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के, कि क्या क्या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन टेस्ट अगर हमने रखने हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए। इट शुड इंक्लूड ऑल द सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स इन अ यूनिट। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, यानी कि यूनिट में जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं, जो चीजें से बेसिक्स क्लियर होगा यूनिट का, या फिर जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सब यूनिट में हमें जो है आनी चाहिए, वो सब टेस्ट में आनी चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि बच्चे को जो लेवल है बच्चे का वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, कि उसको बेसिक्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। तो सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स जो भी यूनिट के हैं वो सारे के सारे उस टेस्ट में इंक्लूड होने चाहिए। देन टेस्ट आइटम्स में प्रोसीड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। और टेस्ट आइटम्स किस तरह से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें पहले ही बच्चों को हमने बहुत हाई लेवल का टेस्ट दे दिया, तो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाना चाहिए, कि पहले जो है हमने यूनिट, जैसे एक यूनिट प्रिपेयर करवाया हमने बच्चों को, तो उसको लोअर लेवल पे हमने उसका टेस्ट लिया, ताकि बच्चे जो है उनमें एक मोटिवेशन रहे, एक उनमें अच्छी फीलिंग रहे कि मतलब कि उनको आता है, और इससे जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी उससे लैग नहीं करेंगे इससे। तो लोअर लेवल पे पहले टेस्ट दिया जाता है, उसके बाद उसको हायर लेवल पे पहुंचाया जाए, धीरे धीरे उसको पहुंचाया जाए, ऐसा नहीं एकदम से ही बच्चों को हायर लेवल का टेस्ट दे दिया जाए, ताकि बच्चे जो है उससे, तो बच्चे क्या होंगे, सारे बच्चे जो है वो कवर नहीं कर पाएंगे, बहुत ही जो हाई मतलब जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं वही कवर कर पाएंगे, बाकी जो है वो फिर से पीछे रह जाएंगे। तो इस वजह से टेस्ट लेवल जो है वो लोअर लेवल से हायर लेवल का होना चाहिए। ईच आइटम शुड हिंट एट स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ द यूनिट एलिमेंट। और हर एक आइटम जो है वो इस तरह से बच्चे को प्रिपेयर इस तरह से आनी चाहिए, ताकि हमें पता लग जाए कि बच्चा जो है उसका उस यूनिट का उसमें मास्टरी हो गई है, उस यूनिट में कि बच्चे ने इतना अचीव कर लिया है कि
बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह से उसको यूनिट जो है वो कवर हो गई है या नहीं हुई है। तो इस तरह से हर एक आइटम जो है हमें उस तरह से टेस्ट में डालनी चाहिए ताकि हमें बच्चे का हर एक जो भी मतलब क्वेश्चंस जो है वो डीप क्वेश्चंस जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालने चाहिए जिससे हमें पता लगे जिससे बच्चे का सारा जो है वो लेवल कवर हो जाए उसमें। ओके द टेस्ट शुड रिवील टू द स्टूडेंट्स द एरर्स दे हैव कमिटेड। और इससे क्या है बच्चों को एरर्स भी बच्चे के अंदर जो भी उसने टेस्ट में आए थे एरर्स वो भी सारे जो है बच्चे को बताने चाहिए ताकि बच्चा जो है वो फर्दर उससे रेमेडियल वर्क मतलब उसको उससे भी वो अच्छा काम करे उससे आगे। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन शुड बी इम्पार्टेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक्स और वर्क बुक्स। और अगर उसी टाइम पे ही मतलब अगर रेगुलर उनके ऐसे टेस्ट होते रहेंगे तो इससे क्या है उनको रेमेडियल टीचिंग भी दी जाएगी जहां पे उनका कमी है उनको वही रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी। जैसे कि हम डॉक्टर है वो डायग्नोस करता है कि इसको बच्चे को किसी पेशेंट को ये बीमारी है पहले उसने डायग्नोस किया तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो उसको फिर उसको रेमेडी देता है उसको दवाई देता है ना। इसी तरह से ही डायग्नोसिस जो है बच्चे का पहले किया जाता है इन टेस्ट से तो उससे क्या है कि रेमेडियल वर्क जो है फिर उसी के जिस चीज में उसको बच्चे को प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग ही उसको फिर रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं रेमेडियल टीचिंग दी जाती है ताकि बच्चा जो है उस चीज को कवर कर सके। और उससे हम लोग क्या है कि टेक्स्ट बुक्स भी जो है उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं बच्चे को कि ताकि कि इस पब्लिशर की तुम्हें टेक्स्ट बुक यूज करनी चाहिए इसमें बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट दिए हुए हैं तो इससे बच्चा जो है बहुत ही अच्छे से उसका बहुत अच्छे से सिलेबस कवर हो जाता है। देन आता है यूजेस लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर। इसके यूजेस क्या है इससे क्या है कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है कि हर एक चीज जो है बच्चे ने अगर हम उसको नेक्स्ट लेवल पे तभी लेके जाएंगे जब हमें पता लगे कि इस यूनिट को उसने कवर कर लिया है। और अब हम क्या है और टेस्ट भी हम लोग इस तरह से ले रहे हैं लोअर लेवल से हायर लेवल पे ले रहे हैं मतलब पहले लोअर लेवल का टेस्ट लिया बच्चे का कि उसको बेसिक्स क्लियर हो गए फिर उसके बाद उसको हायर लेवल पे लेके गए तो उसका मतलब मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट हो गया कि मास्टरी ऑफ द यूनिट हो गया है ना कि हर एक बच्चे ने जो है बहुत ही अच्छे से उस सब्जेक्ट को कवर कर लिया। मास्टरी ऑफ लर्निंग हो जाता है इससे कि हर एक यूनिट जो है बच्चे की कवर हो जाती है तो मास्टरी ऑफ लर्निंग हो गया। गोल फॉर लर्निंग एक बच्चे जो है वो गोल्स बना देते हैं कि एक टाइम के बाद उनको ये है कि मतलब उनको ये है कि हर एक यूनिट जो है उनको कवर करनी है तो उससे एक वो गोल्स बन जाते हैं कि हाँ भाई इस हफ्ते मेरे को ये यूनिट करनी है इस फिर उस अगले हफ्ते उसको ये टेस्ट है तो ये यूनिट करनी है तो एक गोल बन जाता है बच्चों का। सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक लर्निंग जो है उसको सीक्वेंस में चलाया जाता है टीचर जो है वो सीक्वेंस में टेस्ट लेता है तो सीक्वेंस ऑफ लर्निंग बनी रहती है। इफेक्टिव रीइन्फोर्समेंट तो बच्चा जो है वो स्ट्रेंथन रहता है क्योंकि उसको अगर मतलब मार्क्स अच्छे आ रहे हैं मार्क्स अच्छे नहीं भी आ रहे हैं तो भी बच्चा जो है रीइन्फोर्समेंट मिलती है अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो स्ट्रेंथन रहता है कि हाँ उससे आगे उसे और अच्छा करना है तभी उसके मार्क्स जो है वो अच्छे और अच्छे आएंगे। देन डायग्नोस्टिक वैल्यू एक इससे हमें बच्चे का पता लगता है कि उसको किस चीज़ में उसकी कमी है तो इससे डायग्नोस्टिक वैल्यू भी हो जाती है तो हर एक यूनिट से हमें हर एक यूनिट का पता लग जाता है कि कहाँ पर बच्चे की कमी है। तो इस तरह से है हमारे पास फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो ये था ऑल अबाउट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। थैंक यू गाइस।